हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ द क्लॉथ, हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न्स आर मेड अप। ओके, वी नो दैट इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। वहां पे हमने क्या सीखा था, जो है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, सम आर नेचुरल फाइबर एंड सम आर सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ओके, बट सिंथेटिक फाइबर आर बट सॉरी सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल केमिकल प्रोसेस। तो इस सिंथेटिक में क्या होता है, जो भी हम जो है बहुत सारे जो केमिकल प्रोसेस करके जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। ओके, नाउ लेट अस बिगिन आवर चैप्टर। यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, सो आई एम कंटिन्यूइंग माई वीडियो। चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेस। हमने जो है क्लास 6 में पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स में जो ऐसे भी नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, कई सारे जो है टाइप्स के होते हैं, कुछ हमको जो है एनिमल से मिलते हैं और कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो है जो ऊल और सिल्क फाइबर है ये हमको एनिमल से मिलता है, ठीक है, और जो ऊल है वो हमें मिलता है कहाँ से, फ्लीस से, ठीक है। फ्लीस क्या, ये जो है एक हेरी पार्ट होता है, जैसे गोट हैं, सिप्स हैं, याक्स हैं, ठीक है, इन सबका जो हेरी पार्ट है अपर ऊपर वाला पोर्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लीस से जो है हम लोगों को ये जो है ऊल और सिल्क जो यहाँ से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और सिल्क, ये सिल्क जो है एक सिल्क वार्म होता है, ठीक है, सिल्क वार्म, वहां से हमें जो है सिल्क फाइबर मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सिल्क फाइबर आर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है ना। आगे डू यू नो विच पार्ट ऑफ दिस सी बॉडीज यील्ड्स फाइबर? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इंटू दी वूलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नाइट स्वेटर्स, ठीक है। तो ये सब जो है कहाँ से आते हैं, इनका जो है प्रोडक्शन कैसे होता है इन सारे जो है फाइबर्स का, ठीक है, हम जो है इस सब के बारे में जो है उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ जो है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट है एनिमल फाइबर। हमने भी अभी आपको बताया है फाइबर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। फिर जो है फर्दर नेचुरल फाइबर जो है कई सारे हमें जो है सोर्स से ऑप्टेन होते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं और कुछ प्लांट से मिलते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो फाइबर्स हम लोगों को एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तुम्हारा जो टॉपिक है अभी वो कौन सा है, एनिमल फाइबर। इसमें दो हैं, फर्स्ट है ऊल और सेकंड है सिल्क। अभी ऊल के बारे में देखते हैं। ऊल, ऊल कम्स फ्रॉम, देखिए ऊल के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, याक एंड सम अदर एनिमल्स, जैसे कैमल हो गए, ठीक है, जिनके जो है हेयर क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वहां से हम लोगों को ऊल मिलता है, ठीक है। अब ये जो ऊल होते हैं, ठीक है, ये जो है हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे जब जो है हम लोगों को जो है हम लोग क्या करते हैं, जो ठंडी का मौसम आता है तो हम जो है स्वेटर पहन लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्वेटर जो है किससे बना होता है, ऊल से ही बना होता है। और जो है उसके बीच में क्या होते हैं, बहुत जो है स्मॉल स्मॉल होल, जैसे मान लीजिए इस तरह का हमारा स्वेटर बना गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब
क्या होता है, ये जो बीच में जो है होल होते हैं, ये सब बहुत क्या है, स्मॉल स्मॉल होल है, इसमें एयर भरी होती है। तो अब ये एयर क्या करती है, जो है हीट को मतलब जो है अंदर से बाहर नहीं जाने देगी और बाहर से अंदर नहीं आने देती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए, अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, चलिए आगे एक एक्टिविटी है, तो हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी है, ठीक है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज आर योन ऑन योर हेड, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी पे जो हेयर है उसको हम लोग जो है फील करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस विच आर सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। हमारी बॉडी पे क्या है, बहुत सारी जगह हेयर हैं, ठीक है, हैंड्स पे हैं, लेग्स में हैं, हेड्स पे हैं, ठीक है, सर पे बाल हैं। तो हमें जो है सारे जगह के बाल को जो है बारी बारी से अपना जो है फील करना है, ठीक है। जैसे हमने हेड का बाल अपना फील कर लिया, फिर अपना जो है हैंड, जो हमारे हाथ पे बाल हैं उनको हमने फील कर लिया। तो हमें क्या होता है, कुछ सॉफ्ट हमको मालूम चलते हैं और कुछ हमें हार्ड मालूम चलते हैं। तो क्या करना है आपको बताना है वहां पे, ठीक है, कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, ठीक है। ये लो है, आप जो है अपने से करेंगे, ठीक है ना। देखिए, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड दी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू दी स्किन। अब देखिए, टू टाइप्स के हेयर मिलेंगे, एक क्या होगा हार्ड होगा और एक कौन सा होगा सॉफ्ट होगा। जैसे हम लोग कहें बियर्ड, ठीक है, बियर्ड का जो हेयर है, जो हमारे दाढ़ी का ये जो है हेयर है, ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है अपने हैंड का बाल टच करते हैं, ये क्या है, हमको जो है इसके कंपैरिजन में ये सॉफ्ट हमको मालूम चलता है, ठीक है। वही जो है यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इसको जो है आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो ऊल होते हैं, जो ऊल जो है एनिमल से मिलते हैं, उसको भी हम जो है किसी कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करते हैं, कौन सा ऊल सॉफ्ट है कौन सा ऊल हार्ड है, ठीक है। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस जो है बेसिस पे कई सारे जो है टाइप्स के ऊल अलग अलग जो है फर्दर हम फैक्ट्रीज में जो है बनते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए सीप है, इससे जो हमें ऊल मिलता है। आगे लिखा है एनिमल दैट बिल्ड ऊल। अब एनिमल कौन कौन से हैं जो हमको ऊल देते हैं, ठीक है। देखिए, सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो सबसे हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है, सीप है, ठीक है। इसके बाद याक हो गया, कैमल हो गया, ये सब भी हमें क्या देते हैं ऊल, इन सबसे भी हमको मिलता है, ठीक है। और हम लोग जो क्या करते हैं, उनके जो है फ्लीस को निकाल के जो है उसे हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं, फिर जो आगे जो है फैक्ट्री में फर्दर जो है प्रोसेसिंग के लिए वो आगे पहुंचता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, ठीक है। देखिए, वूल हमें और भी कहाँ से मिलता है, गोट के मतलब जो है गोट से मिलता है। द अंडर फुर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। अब जो कश्मीरी गोट होती हैं, ठीक है, जो उनका हेयर होता है बहुत ही वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इससे जो है डिफरेंट टाइप के शॉल बनते हैं, इसे लोग जो सेल करने के लिए आते हैं कहते हैं ना, ये क्या है, कश्मीरी शॉल है, मतलब जो इसके फाइबर होंगे, ठीक है, जिनसे वो बना हुआ है, वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो आरामदायक होते हैं। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल, ठीक है। हमने बताया अभी आपको, जो कैमल की बॉडी पे हेयर होता है वो भी क्या होता है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लामा, ये भी क्या है, ये भी, और अल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ये सब जो एनिमल क्या करते हैं, हमको ऊल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैमल हो गया, लामा हो गया और अल्पाका हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी 3.2, पहले फर्स्ट को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए,
देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पिक्चर्स में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ये सब जो है एनिमल हैं जिससे हमको जो है वूल मिलता है, ठीक है। याक, कैमल, लामा, ठीक है, और ये जो है अल्पाका है, कहाँ मिलता है, ये साउथ अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। ये जो है इसको आप लोग जो है अच्छे से और रीड कर लेंगे। एक मिनट, चलिए हट गया सब, आगे चलते हैं। अभी देखिए हमने जो है डिफरेंट टाइप के वूल हमने सॉरी हमने जो है डिफरेंट टाइप के जो है, ठीक है, सोर्स हमने पढ़े हैं कि जो है कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से हमको जो है वूल हमको मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल थे, एनिमल सोर्स जैसे लामा हो गया, यॉक हो गया, गोट हो गई, कश्मीरी गोट हो गई, ठीक है। ये सब जो है हमें वूल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के, कुछ सॉफ्ट और कुछ हार्ड, ठीक है। तो जो है उनके जो है कैटेगरी के जो है बेसिस पे कई सारे प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब ऐसा नहीं जो जो है हमें जो है उन सब जो है एनिमल से हमको डायरेक्ट वूल मिलता है, ठीक है। वो जो हमें मिलता है वो फाइबर, ठीक है, उसका जो है वो कंपनी में पहुंचता है, उसकी फर्दर जो है कई सारे स्टेज में प्रोसेसिंग होती रहती है, ठीक है। जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी इसके बाद जो है हमको जो है वूल वहां से मिलता है, ठीक है। और जो है उसका हम लोग जो है कई सारे जो हम लोग काम के लिए उसका यूज करते हैं। अब फाइबर से जो है वूल बनाने के लिए कई सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हम लोग इसमें बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इसका प्रोसेस है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी वूल गिविंग सोर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका जो है हम लोग जो उनके फ्लीस होता है, ठीक है, जो हेयरी पार्ट होता है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मशीन्स के थ्रू या कैंची से, ठीक है, या जो है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से जो है हम लोग इनके जो है ब्रीड इनका ब्रीड है या हेयरी पार्ट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या और जो है सारे स्टेट हैं, अगर वहां आप कभी गए हैं, ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं शेफर्ड बहुत सारे होते हैं जो शीप्स को जो है चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, चराने के अलावा जो है रेडर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, और भी सारे जो उनको फूड देते रहते हैं खाने के लिए, ताकि क्या हो जल्दी से जल्दी जो है सब ग्रो करें, ठीक है। शीप्स आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड डाई फॉडर, ठीक है। ये सब जो उनके खाने के लिए व्यवस्था वहाँ पे किए रहते हैं, ताकि जो उनका जो है क्या हो, जो उनका डेवलपमेंट है वो क्या हो जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। आगे है शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वूल, ठीक है ना। बहुत सारे जो हमने अभी बहुत सारे स्टेट देखे हैं, ठीक है। आगे देखिए नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो है कई सारे टाइप्स के ब्रीड हैं, ठीक है, ब्रीड में किस तरह से इसको आप क्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो उनकी क्वालिटी होती है सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ठीक है, तभी तो जो जो सॉफ्ट होते हैं वूल वो थोड़ा महंगे मिलते हैं, और जो हार्ड होते हैं वो थोड़ा सा चीप होते हैं, सस्ते मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेबल में इसको देख सकते हैं, कई सारे इसकी वैरायटी हैं, ठीक है। नेम ऑफ ब्रीड है, क्वालिटी है उसकी, किस तरह की क्वालिटी रहेगी वूल की, और ये कहाँ कहाँ जो है किस स्टेट में मिलता है, ठीक है। जैसे लोही गुड क्वालिटी ऊन, इस समय क्या मिलता है, अच्छी क्वालिटी का उनको जो है वूल मिलता है। अब ये किस स्टेट में मिलते हैं हमको, राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे कई सारे जो है वैरायटी गिवन है, ठीक है, इसलिए आप लोग
पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑन हेयर, हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, ठीक है। जैसे ही उन सबके जो है बाल बढ़ जाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, उनके जो है हेयर को हम लोग कट करते हैं मशीन के थ्रू, ठीक है, सेव्ड ऑफ कर देते हैं वूल को लेने के लिए। इसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग फाइबर इंटू वूल, ठीक है। अब देखिए इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्दर फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड ऑफ, ऐसा निकल लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियरिंग। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस, जब हमने जो है उसके ऊल को उसके फ्लीस से अलग कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया इसका नाम, शियरिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, ठीक है, हमने जो है उसका बाल जो है वहां से अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेप है स्टेप टू, देखिए इसमें क्या होता है, द शियर्ड स्किन विथ हेयर इज स्लोली वॉश्ड टू टैंक्स टू रिमूव ग्रीज डस्ट एंड डर्ट। अब इसमें क्या है, बहुत सारे डस्ट होंगे, ग्रीज होंगे, डर्ट होंगे, ठीक है, उन सबको भी अलग करना जरूरी है ताकि हमारा ऊन क्या हो, साफ सुथरा लगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्योरिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे स्क्योरिंग क्या है, ठीक है, द क्लीनिंग ऑफ ग्रीज डस्ट डर्ट फ्रॉम हेयर और फ्लीस इज कॉल्ड स्क्योरिंग, ठीक है, हमने स्क्योरिंग भी कर लिया। हमारा थर्ड स्टेप है, सेकेंड हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, आफ्टर स्क्योरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग में क्या होगा, वही जो है अलग अलग जो है हम लोग टाइप के हेयर को अलग कर लेंगे, ठीक है, कौन से हेयर छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से हार्ड हैं, कौन से सॉफ्ट हैं, ठीक है ना। ये सब काम जो है कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, ठीक है ना। ये सब जो है अगर हम लोग अपने हाथ से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आगे है स्टेप फोर, नेक्स्ट स्टेप, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, दीज आर द सेम बर्ड्स व्हिच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। जैसे हमने स्वेटर बनवा लिए हम लोग, तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना स्वेटर में रोमा निकल आया है, ठीक है, ये क्या है, रोमा नहीं है, वही जो है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फाइव, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। हमने फाइबर निकाल लिया, ठीक है, अब जो उनकी क्या होगी, उनको हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के कलर से उनको हम लोग कलर करते हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, इस टाइप के कलर से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड कम एंड रोल्ड आउट इनटू यार्न, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग सीधा करते हैं, उसका जो है उसको हम लोग कम्बिंग करते हैं, ठीक है ना, ताकि सारे के सारे हेयर क्या हों, अलग अलग हो जाएं, सब एक दूसरे में उलझ ना जाएं, ठीक है। इसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रोल कर देते हैं, ठीक है ना, अब जो है मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए वहां तक तो समझ में आ गया होगा, देखिए ये सब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, शियरिंग ऑफ अ शीप, देखिए यहाँ पे बाल निकाल रहा है उसका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो रहा है, स्क्वेयरिंग मीन्स यहाँ पे जो डस्ट है, डर्ट है, वो इसके बाद यहाँ पे गए, डस्ट डर्ट क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना, स्क्वेयरिंग हुई। इसके बाद स्क्योरिंग के बाद क्या हो, देखिए यहाँ पे यान जो है बन रहा है, ठीक है ना, अब उसको हम लोग जब क्या किए बाद में, उसको हम लोग उसकी रोलिंग कर दिए, ठीक है, अब यहाँ से जो क्या होगा, वो मार्केट में जो है बिकने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहाँ पे जाएगा, मार्केट में, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से इसको खरीद लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। ये सभी का प्रोसेस था। ठीक है, तो हमने जो है टॉपिक एक हमने जो है कवर कर लिया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। कोल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। बहुत से लोग इसके जो है इस ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रीज में हैं, फील्ड में हैं। ठीक है, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई योर बैक्टीरिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो लोग शिप जो है पालते हैं, कभी कोई जो है जो शिप्स हैं उनमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, बहुत सारे जो डिजीज उनको हो जाती हैं। ठीक है, तो जो है उनका प्रॉपर जो है मेडिसिन अवेलेबल कराना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मेडिसिन जो है प्रॉपर जो है अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो लोग जो है उस फील्ड से दूर हटते चले जाएंगे। तो ऐसा जो है गवर्नमेंट को नहीं होने देना है। ठीक है, विच काज ऑफ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिजीज। ठीक है ना, एक मिनट देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टर्स डिजीज। कौन सा डिजीज, जब जो है बैक्टीरिया सीप पर जो है अटैक कर देते हैं। ठीक है, और जो है वो जो है एक बहुत ही फैटल डिजीज जो है उनको होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, शॉर्टर्स डिजीज। सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर्स इन मेनी इंडस्ट्री आर ऑल ऑक्यूपेशनल हजार। ठीक है, तो जो ये सब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिल्क। ठीक है, हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो अभी वूल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, किसके बारे में, वूल। ठीक है ना, वूल हमें कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है, वो कंपनी में कैसे पहुंचता है, वहां से जो हम मार्केट में वूल खरीदते हैं, ठीक है, वो कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस सब के बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिल्क। ठीक है, देखिए सिल्क भी हमें जो है एनिमल से मिलता है, इसका भी सोर्स क्या है, एनिमल है। ठीक है ना, सिल्क का भी। अब ये सिल्क मिलता कहाँ से, हमें जो है ये एक सिल्क वार्म होता है। ठीक है, उसी से हमको जो है सिल्क हमें मिलता है। इसका नाम क्या होता है, सिल्क फाइबर्स। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर क्या होता है, इसमें हम लोग सिल्क जो है सिल्क वार्म को हम लोग पालते हैं। ठीक है, और वहां से सिल्क हम लोग जो है सिल्क नामक फाइबर हम लोग वहां से ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब को जो है मिला जुला के क्या बोलते हैं, इसको सेरिकल्चर। ठीक है ना, चलिए अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि सिल्क जो है उसकी जो है सिल्क तो हमें जो है मिलता कहाँ से है। ठीक है, और उससे जो है सिल्क जो है जो सिल्क वार्म नामक जो है वो इंसेक्ट है। ठीक है, वो जो है उसकी फीडिंग कैसे होती है। ठीक है, उसका जो है सोर्स क्या है, चलिए देखते हैं इसमें। जहां पर देखिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है ना, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है। ठीक है, क्या होता है, फ्रॉम विच हैच लार्वास विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वार्म। ठीक है, तो वहां से जो है सिल्क वार्म या उसी का दूसरा नाम क्या है, कैटरपिलर। ठीक है, ये वहीं से जो है आते हैं, जो सिल्क मॉथ फीमेल सिल्क मॉथ जो एग देती है। ठीक है, उन्हीं से जो है सिल्क वार्म हमें मिलता है। दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज वेरी इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा।
अब जो ये सिल्क वार्म है, ठीक है, ये जो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, जब धीरे धीरे ग्रो करता है तो जो उसी के एक जो जब ये ग्रो करेगा तो जो उसी में एक बीच में एक स्टेज आती है, जो कौन सी स्टेज है, प्यूपा, ठीक है। इट फर्स्ट वीप्स और नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जो प्यूपा है ये अपने ऊपर जो है एक तरह का जाल बनाता है अपने बॉडी के चारों तरफ, ठीक है, ये प्यूपा। इसके बाद क्या होता है, देखिए, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ एट, ठीक है ना। देखिए एट में, यहाँ फिगर में कुछ दिया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। देखिए ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। यहाँ पे देखिए एक्स ऑन मलबरी लीव्स, जो ये सिल्क वार्म होते हैं, ये जो है मलबरी नामक एक ट्री होता है, इसके जो है लीव्स पे जो है इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है बहुत सारे एक्स हैं, ठीक है। उस एक्स से क्या होगा, सिल्क वार्म जो है बनेगा, ठीक है। अब जो ये सिल्क वार्म होता है, इसकी जो है बीच में एक लाइफ स्टेज आती है, जिसका नाम क्या है, प्यूपा, ठीक है ना। जब ये अपने जो प्यूपा स्टेज में होगा, जो अपने चारों तरफ जो है सिल्क जो है उसके जो है ठीक है, इतना जो है सिल्क फाइबर का जो है अपने चारों तरफ वो बना लेता है, ठीक है ना, एक नेट टाइप में जाल की तरह। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जिसने जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, देखिए अपने बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी जो है बॉडी के चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है, ये क्या है, इस तरह का जो है सिल्क फाइबर ही है, ठीक है। अब देखिए इसके अगले स्टेज में जो है ये हमको पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे ही क्या होता है, इसके चारों बॉडी के चारों तरफ ये जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है सिल का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जो है, अब जो है ये इसकी लास्ट स्टेज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, इससे जो हम लोग इसी स्टेज से जो हम लोग सिल को निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो है जो फीमेल हैं, ठीक है ना, वो फिर एक्स देंगी, एक्स से क्या होगा सिल्क वार्म बनेगा, सिल्क वार्म से कोकून, और कोकून से क्या होता है हमें जो है सिल्क हमें ऑफर मिलेगा, ठीक है। ये जो एक साइकिल जो है बार बार ये चलती रहती है, ठीक है, और जो है कभी एंड नहीं होती है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया है। आगे देखते हैं, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड एंड सिल्क यार्न दे विल इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अब जो कई सारे जो है टाइप के सिल्क वार्म होते हैं, अब जब जो है कई सारे टाइप के सिल्क वार्म हैं तो जो उनसे सिल्क मिलेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कोर्स है, स्मूथ है, शाइनी है, ठीक है। अब तुषार सिल्क हो गया, मुगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, ये सब क्या है, सिल्क की वैरायटी है, कई सारे टाइप के सिल्क हैं, ठीक है। आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज नोन एज मलबरी सिल्क मॉथ। जो बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जिसका सिल्क जो है बहुत ज्यादा हम लोगों को मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो कौन सा है, मलबरी सिल्क है, थोड़ा चीप है, ठीक है ना। बाकी सारे क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमने जो है इसकी टाइप को पढ़ लिया। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल लेवल, ठीक है ना। जो इंडिया है
ये जो है सिल्क, जो है सिल्क प्रोडक्शन का एक बहुत ही एक गुड एक्सपोर्टर है, ठीक है। बहुत सारे जो है कंट्री में, जो है भारत में, जो है इंडिया में बना हुआ जो है सिल्क एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और जो है हमारे यहाँ भी लोग जो है बहुत सारा जो है इसका यूज करते हैं। तो हमने जो है सिल्क के बारे में, और जो है सिल्क से सिल्क, ठीक है ना, सिल्क यार्न कैसे बनता है, उसको हमने जो है स्टडी कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें जो हम लोग इस सारे जो है एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।